का, अब समय तय करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ईपीएफ पेंशन योजना, हमें मालूम है कभी ऐसे केसेस मेरे सामने आया जब 2014 के बाद में आया बेटा, किसी को पेंशन 7 रुपये मिल रही थी, किसी को 25 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 250 रुपये, ये देश में चलता था। मैंने कहा भाई इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का भी खर्चा उससे ज्यादा होता होगा। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से बाहर ला करके मिनिमम 1000 रुपीज देने का निर्णय हमने किया था, किसी ने मांगा नहीं। मुझे किसी भी किसान संगठन ने इस देश के छोटे किसान को कुछ सम्मान पैसे मिले इसकी व्यवस्था किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत उनको हमने धन सामने से देना शुरू किया। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी आधुनिक समाज के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है। हमने देखा है जिस प्रकार से उस कालखंड में विरोध होता था, लेकिन राजा राममोहन राय जी जैसे महापुरुष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जैसे महापुरुष, ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष, बाबा साहब आम्बेडकर, कितने अनगिनत नाम है, उन्होंने समाज के सामने उल्टे प्रभाव में सामने होकर के समाज सुधार का बीड़ा उठाया था, व्यवस्थाएं बदलने के लिए बीड़ा उठाया। अब कभी ने तो किसी ने जिम्मेवारियां लेनी होती है। हाँ, ऐसी चीजों का शुरू में विरोध होता है, जब बात सत्य पहुंचता है तो लोग इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कोई भी निर्णय 100% सबको स्वीकार्य होता संभव ही नहीं हो सकता है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है, किसी एक जगह पे वो बहुत लाभ करता होगा, किसी जगह पे कम लाभ करता होगा, किसी जगह पे शायद जो पहले के लाभ उसको वंचित करता होगा। लेकिन ऐसी तो कितने बड़े देश में व्यवस्था नहीं हो सकती है कि हम उसमें कोई, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट देश में निर्णय जो होते हैं, लार्जर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय निर्णय होते हैं और उसको लेकर के हम काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये सोच के साथ मेरा विरोध है। जब ये कहा जाता है मांगा था क्या, क्या हम सामंतशाही हैं क्या कि देश की जनता याचक की तरह हमसे मांगे, उनको मांगने के लिए मजबूर करें? ये मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष, सरकारें संवेदनशील होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से जनता की भलाई के लिए सरकार ने जिम्मेवारियां लेकर के आगे आना चाहिए। और इसलिए इस देश की जनता ने आयुष्मान योजना नहीं मांगी थी, लेकिन हमें लगा कि गरीब की बीमारी में बचाना है तो आयुष्मान भारत योजना लेकर के जाना। इस देश के गरीब ने बैंक अकाउंट के लिए कोई जुलूस नहीं निकाला था, कोई मेमोरेंडम नहीं भेजा था, हमने जनधन योजना की थी और हमने जनधन योजना से उसके खाते खोले थे। किसी ने भी स्वच्छ भारत की मांग किसने की थी, लेकिन देश ने के सामने स्वच्छ भारत लेकर के गए, मामला चल पड़ा। कहां लोगों ने कहा था मेरे घर में शौचालय बनाओ, किसने मांगा नहीं था, लेकिन हमने 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम किया। मांगा जाए तभी सरकार काम करे, वो वक्त चला गया, ये लोकतंत्र है, ये सामंतशाही नहीं है। हम लोगों ने लोगों की संवेदनाओं को समझ करके हमने सामने से देना चाहिए। नागरिकों को याचक बना करके हम नागरिकों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकते हैं, हमने नागरिकों को अधिकार देने के दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नागरिक को याचक बनाने से नागरिक का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, नागरिक का सामर्थ्य पैदा करने के लिए, उसका आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमारे कदम होने चाहिए और हमने इस दिशा में कदम उठाए हैं। सरकार, एक मिनट दादा, दादा अरे सुनो दादा, अरे दादा वही मैं कह रहा हूँ, दादा मैं वही कह रहा हूँ, जो नहीं चाहता है वो उसका उपयोग ना करे, उसके पास पुरानी व्यवस्था है। ये यही आप बुद्धिमान लोगों को इतना ही छोटा मुझे समझाना है कि उसको नहीं चाहिए तो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था चली नहीं गई है। माननीय अध्यक्ष जी,
एक बात हम जानते हैं, हम सब इस बातों से परिचित हैं, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो बीमारी पैदा करता है, बहता हुआ पानी है जो जीवन को भर देता है, उमंग से भर देता है। जो चलता है, चलता रहे, चलने दो, अरे यार कोई आएगा तो करेगा, ऐसे थोड़ा चलता है। ये जिम्मेवारियां लेनी चाहिए, देश की आवश्यकता के अनुसार निर्णय करने चाहिए। स्टेटस को, देश को तबाह करने में ये भी एक मानसिकता ने बहुत बड़ा रोल किया है। दुनिया बदल रही है, कब तक हम स्टेटस को स्टेटस को स्टेटस को ऐसे ही करते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि स्थितियां बदलने वाली नहीं है। और इसलिए देश की युवा पीढ़ी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती है। लेकिन आज मैं घटना सुनाना चाहता हूं और जरूर उसे हमें ध्यान में आएगा कि स्टेटस को के कारण होता क्या है। ये करीब 40-50 साल पुरानी घटना का किस्सा है, मैंने कभी किसी से सुना था इसलिए उसकी तारीख वारीख में इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मैंने सुना था, जो मेरी स्मृति में है, वो मैं बता रहा हूं। 60 के दशक में तमिलनाडु में राज्य के कर्मचारियों के तनख्वाह बढ़ाने के लिए कमीशन बैठा था और राज्य के कर्मचारियों का वेतन बढ़े इसके लिए उस कमीशन का काम था। उस कमेटी के चेयरमैन के पास एक लिफाफा आया, टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। उन्होंने देखा तो उसके अंदर एक अर्जी थी और उसने लिखा था कि मैं बहुत साल से सिस्टम में काम कर रहा हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये उसने चिट्ठी लिखी थी तो चेयरमैन ने जिसने चिट्ठी लिखी उसको लिखा, भाई तुम्हारा तुम हो कौन, क्या है पद, क्या है वगैरह। तो उसने फिर जवाब लिखा दूसरा कि मैं सरकार में जो मुख्य सचिव का कार्यालय है वहां CCA के पद पर बैठा हूं, मेरे पास CCA के पद पर मैं काम कर रहा हूं। तो इनको कहा भाई ये CCA क्या होता है, कुछ पता तो है नहीं ये CCA कौन होता है। तो उन्होंने दोबारा चिट्ठी लिखी, भाई हमने तो पूरे उसमें CCA शब्द में कहीं देखा नहीं, पढ़ा नहीं, ये है क्या, हमें बताओ। तो उसने कहा साहब मैं बंधा हुआ हूं कि 1975 के बाद ही इसके विषय में मैं जिक्र कर सकता हूं, अभी नहीं कर सकता हूं। तो फिर चेयरमैन ने उनको लिखा कि फिर ऐसा करो भाई, 75 के बाद जो भी कमीशन बैठे वहां जाना, मेरा सर क्यों कह रहे हो। तो उसको लगा ये तो मामला बिगड़ गया। तो उसको लगा तो कहना ठीक है साहब मैं बता देता हूं मैं कौन हूं। तो उसने उनको चिट्ठी लिख के बताया कि साहब मैं जो हूं वो CCA के पद पर कई वर्षों से काम कर रहा हूं और मुख्य सचिव के कार्यभार। तो बोले CCA का मतलब होता है चर्चिल सिगार असिस्टेंट, ये CCA का पद है जिस पर मैं काम करता हूं। तो ये है क्या, तो 1940 में जब चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तो त्रिची सागर हमारे यहां से सिगार जाती थी उनके लिए, और इस CCA जो था उसका काम था वो सिगार उनको सही पहुंची कि नहीं पहुंची इसकी चिंता करना, और इसके लिए पद बनाया गया था, वो सिगार की सप्लाई होती थी। 1945 में वो चुनाव हार गए लेकिन फिर भी वो पद बना रहा और सप्लाई भी जारी रही। देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष जी ये पद कंटिन्यू था। चर्चिल को सिगरेट पहुंचाने की जिम्मेवारी वाला एक पद मुख्य सचिव के कार्यालय में चल रहा था और उसने अपने लिए कुछ तनख्वाह मिले, कुछ प्रमोशन मिले, इसके लिए उसे चिट्ठी लिखी थी। अब देखिए ऐसा स्टेटस को अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे नहीं, तो ये उससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो एक रिपोर्ट आती थी कि आज कोई बलून नहीं आया और कोई पर्चे नहीं फेंके गए, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय शायद शुरू हुआ होगा, अभी भी वो चलता था। यानी ऐसी चीजें हमारी व्यवस्था में घुसी हुई हैं,
हमें लगता है कि भाई रिबन काटेंगे, दिया जलाएंगे, फोटो निकल जाए कि हमारा काम हो गया। देश ऐसे नहीं चलता है। हमने जिम्मेवारी के साथ देश में बदलाव के लिए हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। गलतियां हो सकती है, लेकिन इरादा अगर नेक हो तो परिणाम अच्छे मिलते भी हैं। हो सकता है एक आध में हमें लाभ मिले। आप देखिए, हमारे देश में एक समय था कि किसी को अपना सर्टिफिकेट सर्टिफाई कराना है तो कॉरपोरेटर काउंसलर उसके घर के बाहर सुबह क्यू लग जाती थी, और जब तक वो थप्पा न मारे, और मजा है कि वो तो नहीं मारता था, एक लड़का बाहर बैठता था वो सिक्का मार देता था और देते थे। अब चल रहा था, मैंने कभी इसकी क्या मतलब है, हम भरोसा करें देश के नागरिक पर। मैंने आकर के वो एटेस्ट करने वाली सारी प्रथा को खत्म कर दिया, देश के लोगों को लाभ हुआ। हमने बदलाव के लिए काम करना चाहिए, सुधारों के लिए काम करना चाहिए। अब हमारे यहाँ इंटरव्यू होते थे, मैं अभी भी हैरान हूँ जी, एक व्यक्ति एक दरवाजे से अंदर आता है, तीन लोगों की पैनल बैठी है, उसका मुंह देखने नाम भी पूरा पूछते नहीं, 30 सेकंड में निकल जाता है हजारों, और वो इंटरव्यू कॉल होता है और फिर ऑर्डर दिए जाते हैं। हमने कहा भी क्या मतलब है, उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके सारे इकट्ठा करो, मेरिट के आधार पर कंप्यूटर को पूछो, वो जवाब दे देगा। ये तीसरे और चौथे श्रेणी के लोगों के लिए इंटरव्यू का क्या जमाल बनाया हुआ है, और लोग कहते थे भाई सिफारिश के बिना नौकरी नहीं मिलेगा, हमने खत्म कर दिया। मैं समझता हूं कि देश में हम चीजों को बदलने से असफलता के डर से अटक के रहना, ये कभी भी किसी का भला नहीं करता है। हमने बदलाव करने चाहिए, और बदलाव करने का प्रयास हम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ खेती, हमारे यहाँ किसानी एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक मुख्य धारा का हिस्सा रही है। एक प्रकार से हमारी संस्कृति के प्रवाह के साथ हमारी किसानी जुड़ी हुई है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, ग्रंथ अवेलेबल है हमारे यहाँ कृषि के संबंध में, बहुत सारे उत्तम अनुभव भी हैं। और हमारे यहाँ राजा भी खेतों में हल चलाते थे, जनक राजा की बात तो हम जानते हैं, कृष्ण भगवान के भाई बलराम की बात हम जानते हैं, कोई भी बड़ा परिवार होगा। हमारे यहाँ किसानी और खेती, ये हमारे इस देश में सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप नहीं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक प्रकार का समाज जीवन के कल्चर का हिस्सा रहा हुआ है, और उसी हिस्सों को लेकर के हम कर रहे हैं। और ये हमारी संस्कृति, हमारे पर्व हो, त्योहार हो, हमारे गीत हो, सब चीजें फसल बोने के समय के साथ या फसल काटने के साथ जुड़ी हुई रहती है। ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। हमारे जितने लोग भी हैं वो भी किसानी से जुड़े हुए होते हैं, फसल से जुड़े, हमारे त्योहार भी उसी से जुड़े हुए रहते हैं। और इसलिए, और हमारे देश की विशेषता देखिए, हमारे यहाँ किसी को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं तो उसके साथ धन धान्य शब्द उपयोग करते हैं। धन धान्य, धन और धान्य को हमारे यहाँ अलग नहीं करते हैं, सिर्फ धान्य भी नहीं बोलता है कोई, सर धन भी नहीं होता, धन धान्य बोला जाता है। हमारे यहाँ धान्य का ये मूल्य, ये महत्व समाज जीवन का हिस्सा है, और जो स्थितियां बदली हैं तो हमने भी उसको फिर से एक पटरी पर लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्यसभा के अंदर मैंने विस्तार से छोटे किसानों के संबंध में बात कही है, और देश का 80-85% वर्ग इसको हम उपेक्षित रख करके देश का भला नहीं कर सकते हैं। हमने उसके लिए कुछ सोचना ही होगा, और बड़ी नक्रता के साथ हमने सोचना होगा। और मैंने गिन करके बताया है कि छोटे किसानों की कैसी उपेक्षा हुई है, किसानों के नाम पे हुई है, उसमें एक बदलाव बहुत जरूरी है। और आपको भी, ये छोटा किसान जाग जाएगा तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा, ये मैं पूरी तरह समझता हूँ। हमारे यहाँ जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जमीन का टुकड़ा छोटा होता जा रहा है, परिवार के अंदर जमीन जो है बढ़ जाती है। चौधरी चरण सिंह जी ने तो एक जगह पे ये कहा हुआ है कि हमारे यहाँ किसान इतना जमीन की मालिकी उसकी कम हो रही है कि वो स्थिति ऐसी आएगी कि वो अपने खेत में ही ट्रैक्टर को टर्न करना होगा तो नहीं कर पाएगा, इतना भी जमीन का टुकड़ा होगा। चौधरी चरण सिंह जी के शब्द है। तो ऐसी जब चिंता हमारे इन महापुरुषों ने हमारे सामने की है तो हमें भी तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करनी होगी। हमें इस आजादी के बाद हमारे देश में 28% खेतहर मजदूर थे, 28% लैंडलेस लेबरर थे। 10 साल पहले जो सेंसस हुआ उसमें ये जनसंख्या, खेतीदार संख्या 28 से 55% हो गई। अब ये किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि 28 से हमारा खेतहर मजदूर 55% पर पहुंच गया है,
और जमीन कम होने के कारण खेती से जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलने के कारण उसके जीवन में ये मुसीबत आई है और वो मजदूरी करने पर कहीं किसी और के खेत में जाकर के मजदूरी करने पर मजबूर हो गया है और दुर्भाग्य